सवाल हो रही है समाजवादी पार्टी की यात्रा की, दोनों मेहमान हमारे साथ बने। मनीष जी, सवाल ये है कि हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, अन्य विपक्ष के पूरे विपक्ष की बात करें, कांग्रेस को उसमें ले लीजिए, भले यूपी उनके सामने संघर्ष है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात सब कर रहे हैं, सब उस पर एक राय है। ये जो विपक्ष का एक मत है, कहीं आपके लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा आने वाले चुनाव में? यूपी की सरकार चल रही थी तो सपा और बसपा दोनों एक साथ उसको समर्थन दे रहे थे, तभी इनके पास अवसर था। दरअसल ये लोग किसी का भला नहीं करना चाहते, केवल राजनीति करना चाहते। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार था, इनके साथ ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनीष जी। अनुराग जी, मनीष जी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आप लोग अपना परिवार का भरण पोषण किया, अब आप लोग सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं काम नहीं हुए गिना पाए। दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा की सरकार में हुआ कि नहीं? अरे भैया सुन लीजिए मेरी बात, आपके 2012 से 17 के बीच आंकड़े कहते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा किया आपने, किया या नहीं? आपके समय में पांचों आयोग भंग हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, आज एबीपी के इलाके जो लोग परेशान हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगार भ्रष्टाचार क्या उसमें भंग किया गया, तो आप आंकड़ा जारी करते रहते हैं। शिक्षा आयोग क्यों भंग किया गया अखिलेश यादव की सरकार में, माननीय यादव द्वारा? अरे कहीं चिमनी लगी, कहीं बाउंड्री बनी, कहीं फैक्ट्री बनी, शिक्षा मशीन रखी गई, सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया। पांचों आयोग बंद किया गया, आप भ्रष्टाचारी नहीं हो? 1090 बनाए हमने यहाँ पे मजबूत। आपने संकट मोचन प्लास के आरोपियों आतंकवादियों को छोड़ने की आपने रामपुर पीएससी में जिन आतंकियों ने हमला किया, पेंशन दी वो भी दिखाई पड़ रहा है क्या, उनके साथ अखिलेश यादव का क्या संबंध था? पेंशन दीजिए आज, आप बताओ बारामती और अयोध्या के कचहरी में स्कीम भी नहीं लाना चाहते हो? हमारा तो मकसद है कि वोट पेंशन स्कीम लेके आए, समाजवादी सरकार आएगी वोट पेंशन स्कीम देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, जनता के मुद्दे से कोई संबंधित नहीं है। अरे हमसे सवाल पूछते हो, सवाल आपसे जनता पूछेगी, सत्ता में आप क्या कर रहे हो? हमने नौकरियां दी पारदर्शी तरीके से दी, यहाँ पे क्या हमने भेदभाव रहित नौकरियां दी, हमने एक्सप्रेस वे बनवाए, एयरपोर्ट में दोनों एयरपोर्ट बन गए, फैसिलिटी खराब हो गई, आप जाओ देखो आज सड़कों का हाल इतना शानदार है, जो हमने एक्सप्रेस वे बनाए आप उस पर चलो कभी तो आप देखोगे। ये बताओ अभी करिए, कभी ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग जी, ये बताइए कि जो सामाजिक समानता की बात हो रही, जो सवाल मेरा मनीष जी से वही से आपसे है कि जब सारे विपक्षी दल अपने आप को सामाजिक समानता का गवाह बता रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे जनता को कि आपकी नीति और नियत स्पष्ट है? हम तो विकास की राजनीति करते हैं ना, ये नफरत की राजनीति करते हैं, एकदम स्पष्ट है। हम जब भी बात करेंगे विकास का काम गिराएंगे, ये जब भी काम करेंगे नफरत की बात कराएंगे, ये समाज को आतंकियों का साथ देके आप जो है विकास की बात करते हैं, आप अतीक अफरत का साथ देते हैं, आप विकास की बात करते हैं, क्या बात करते हैं भदौरिया जी? हम यहाँ के हर व्यक्ति को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे थे। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल ये बताइए कि जो अतीत में हम जा रहे हैं, तो क्या अतीत पर ही ये पूरा चुनावी युद्ध होगा या भविष्य के विजन पर बात होगी? भविष्य के विजन पे हम बात कर रहे हैं ना लगातार, कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम बच्चों को ट्रैक रिकॉर्ड आपका ऐसा कहता है, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है सरकारों का, आप केवल आतंकियों अपराधियों और जात विशेष के लोगों के। ठीक है मनीष जी, वक्त कम है, ये बताइए कि जो रथ यात्रा निकल रही है, सपा लीड कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं बस काफी आगे निकल जाएगी? बस निकल गई, समाजवादी निकल गई, अखिलेश यादव जी बीजेपी काली बात रिकॉर्ड दोहराने जा रहे हैं,
2014 में 19 में जो हाल इनका हुआ था उससे बुरा हाल होने वाला है। जनता एक बार फिर इनको वापस का रास्ता दिखाएगी, जो कि लगातार अभी भी इनके बयान देखिए ये अपराधियों और आतंकियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दावे हैं, दोनों तरफ से आरोप भी हैं। लोक जनजागरण यात्रा का आगाज हुआ है समाजवादी पार्टी का। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो माहौल बन रहा है उसमें जनता किसे पसंद करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, यात्रा पथ पर अखिलेश यादव निकल रहे हैं, सामाजिक समानता की बात कही जा रही है, हालांकि सवाल अतीत को लेकर उठ रहे हैं। बीजेपी ये सवाल पूछ रही कि सामाजिक समानता आपकी तब कहां गई थी जब 2012 से 17 में सरकार थी। वहीं सपा का आरोप यह है कि नौकरियों के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, सुरक्षा के स्तर पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम आएंगे तो इन चीजों को देंगे तो सामाजिक समानता अपने आप आ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को किसका विजन पसंद आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।